प्रबंधक बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि जो एक इनके नाम से राय सुल्तानपुर थाने में तहरीर पड़ी हुई है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा, आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है सर? जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मतलब हमारे 29 तारीख को हमारे मदरसे से जानकारी आई, जब दत्ता किए थे टीचरों के साथ और जो है वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उस वक्त जो हमने एक तहरीर दी है थाने उनके खिलाफ तैयार करती थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ बड़ी बड़ी पढ़ती हैं और लड़के टीचर भी महिला जो है बड़ी बड़ी हैं, तो उसकी एक तहरीर दिए थे थाने। तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जो है मतलब जब ये टीवी चैनल उन्होंने पे चला तो उससे बौखला कर जो है जाके मेरे खिलाफ थाने पे जो है तहरीर दिए कि इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया जाए। हालांकि जो ये जाँच किए हैं उसकी दोबारा जाँच कराने के लिए मैं जिला अधिकारी महोदय से खुद अपील किए हैं कि हमारे विद्यालय, हमारे सभी विद्यालय जो आरोपित विद्यालय हैं, जो इनके द्वारा बताया गया कि ये विद्यालय बंद पाए गए, उनकी जो है दोबारा किसी उच्च अधिकारी से जांच करा ली है। इस संबंध में आप जिलाधिकारी महोदय से कब मिले? मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन तहरीर दे के आए हैं, उनके इस दोनों बाबू से भी मिल के आए हैं। जिलाधिकारी महोदय कहीं चले गए थे और जो है एक रजिस्ट्री भी की। जैसा कि प्रबंधक जी का कहना है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रबंधक और प्रिंसिपल के नाम मौजूदगी में विद्यालय पर आते हैं और महिलाओं को एक लाइन में खड़ा करके उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर प्रबंधक फोन करते हैं कि आप बैठिए हम 15 मिनट में आते हैं, तो अल्पसंख्यक अधिकारी जो है चंपित हो जाते हैं। इसके बाद प्रबंधक जाके राजा सुल्तानपुर थाने में तहरीर देते हैं, तहरीर देने के बाद मामला मीडिया तक जाता है। जब मामला मीडिया में गया तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बौखला करके प्रबंधक के ऊपर राय सुल्तानपुर थाने में तहरीर देकर दबाव बना रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे में पीड़ित को कैसे मिल सकेगी न्याय? राजकुमार मौर्या, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।